और ये जो आप खड़े होकर सवाल पूछने वाले को सरेआम टोक देते हैं या उससे सवाल के जवाब में उसका नाम पूछने लग जाते हैं, क्लास पूछने लग जाते हैं, काम धंधा पेशा शोभा पूछने लग जाते हैं, तो आई थिंक कि आप बार बार ये ना किया करें। आपके हर लेक्चर के अंदर मुझे यही चीज नजर आई है, बहुत इरिटेशन होती है। आप एक तफसीली लेक्चर नोट करा दें, आपने कराया होगा, लेकिन अगेन 3500 कंटेंट पंपिंग वाले चैनल्स के अंदर उस पूल में से उस एक वीडियो को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप एक कॉम्पैक्ट सी ऑर्गेनाइज्ड सी वीडियो बनाएं और उसमें अवाम को सारी अहादीस, सारे कुरानी आयात, सब असलाफ के तौर तरीकों से रेफरेंसेस देकर एक कॉम्पैक्ट सी मुफस्सिल सी वीडियो बनाएं और अवाम को बता दें। उसके बाद अगर कोई खड़ा हो रहा है ना तो उसको पीठ में मत टोका करें, ये थोड़ी ह्यूमिलिएशन फील होती है। आप तो खुद बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता होगा कि जब कोई शख्स आपसे सवाल कर रहा है उसको बीच में टोक दिया जाए कि वो कंफ्यूज हो जाए या उसको बुरा लग जाए या वो छोटा महसूस करने लग जाए या वो थोड़ा घबरा जाए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की बजाय उसको नर्वस कर दिया जाए, तो ये ह्यूमिलिएशन में आता है। तारीफ का लोगों को लगा है कि मेरी तारीफ हुई है, हुआ शायबा हुआ आपको? चीप लेवल के गुनाहों में से ना लिस्ट इस्लाम में ना चीप लेवल के गुनाह भी हैं, उनमें से एक चीप लेवल गुनाह लोगों को उनके सामने तारीफ करना। समझ आ रही ना? तो अवाम को आप ह्यूमिलिएशन का मतलब भी समझा दें और अपना ये वाला क्लिप दिखाकर उन्हें इन्वेजन ऑफ पर्सनल स्पेस भी बता। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें जो वीडियोज अपलोड होते हैं और जितने भी सोशल मीडिया जिहादीज है वो इसराइल को बुरा भला कहते व्यूज पाके आखिर में जो है जितना भी इनकम उससे आता है जी, आपका नहीं आता एड चलते ना YouTube पे, वो आपके YouTube के अपने एल्गोरिथम से चलते हैं, आप ही सेट करते बैठे बैठे, आप नहीं सेट करते। तो किसी को शराब की एड आ रही है तो पिछले जमेरात को खरीदी थी शराब, ओके, उसको KFC आ रहा बार बार, KFC का रेगुलर कस्टमर है, वी कैन करें। हमारी नौजवान नस्ल को तो वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन्हें थोड़ा मैनर्स ऑफ स्पीच भी बता दें। जितनी अशद जरूरत हमें आई थिंक मैनर्स ऑफ स्पीच की है, उतनी शायद किसी और चीज की नहीं। ऑक्सीजन की तरह हमारी अवाम को मैनर्स ऑफ स्पीच चाहिए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो किसी दिन आप सुकून से चिल करें, अपने आप को सोशल डिटॉक्स करें, दुबई चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा दिया बड़ा कुछ आपके पास, तो आप जरा एक दो हफ्ते के लिए चिल आउट करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। इतना भी मसरूफियत अच्छी नहीं होती कि आपको हफ्ते हफ्ते टाइम ना मिले अपनी फैमिली के पास जाने का, तो आप चिल आउट करें और फिर जाकर ना कमेंट्स देखें। कमेंट्स में आप सिर्फ ये देखें कि लोगों में मैनर्स की क्या कमी है, तो जिस जिस किस्म के मैनर्स की कमी आपको नजर आती है ना, तो उन मैनर्स ऑफ स्पीच पे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें, ताकि लोग सीरा पढ़ने के साथ साथ सीरा को अप्लाई करना भी सीखें और उनके पास आप जैसा इतना अच्छा बुर्दबार और पुरतहमल और साबिर और हौसला मंद और सॉफ्ट स्पोकन सा जो है ना वो एक आइडियल मौजूद हो देखने के लिए, बड़ा मौजूद हो देखने के लिए। छोटे बड़ों से सीखते हैं और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, तो आप जाहिर बात है आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप जैसे निज़ामे दीन का प्रचार करने वालों को सुनकर, आप जैसे अल्लाह रसूल की बातों को सुनकर, आप जैसे मुजाहिदों और मुजद्दों को, आप खुद तो नहीं कहते मुजद्दद को, लेकिन हर बंदा यहाँ पे मुजद्दद बनने के लिए तैयार है, बस सब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मुजद्दद का। तो बहुत सारे मुजद्दद आए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो उन सबको सुनकर, स्कॉलर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, दानिश्वरों को, थिंकर्स को, प्रॉब्लम सॉल्वर्स को सुन सुनकर मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैनर्स ऑफ स्पीच आप लोगों के लिए मैटर नहीं करते, ये छोटे लोगों के लिए होते हैं, बड़े लोग उससे मुबर्रा होते हैं शायद। आप लोग ना सिर्फ एक दूसरे को, बल्कि कोई जो आपके पास सवाल लेकर आया है, अपनी परेशानी लेकर आया है, उसे भी टॉन्ट करते हैं, मॉक करते हैं,
बिलिटल करते हैं, बिग्रज करते हैं और ह्यूमिलिएट करते हैं। आप और आप ही कबीले के तकरीबन ज्यादातर लोग नार्सिसिज्म में मुब्तला होते हैं। और मैं आवाम को इन अल्फाज का मतलब नहीं बताऊंगी, आवाम माशाल्लाह बड़ी खोजी हो गई है आपकी, वो ढूंढ लेगी। वो आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया पर बैठकर पोर्टल्स ढूंढ रही है, याजूज माजूज की लोकेशन ट्रेस कर रही है, इल्यूमिनाटी की सारी साजिशों की उसको समझ आ गई है, पिरामिड्स की साइंस समझ आ गई है। उसको मैं इन अल्फाज का मतलब नहीं बताऊंगी, वो सब ढूंढ लेगी। लेकिन एक आखिरी बात, लास्ट मैसेज, जब आप जैसे दानिश्वरों, आलिम फाजलों, दीनदारों, स्कॉलर्स में ही इतफाक नहीं हो रहा, जब हमारी 1% एक्लेजियास्टिकल क्लास, हमारी 1% टॉप की क्रीम वही एक टेबल पर नहीं आ रही, वही एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो रही, वही बैठकर आवाम को कोई लाया अमल नहीं दे रही, हर एक अपनी अपनी जो है ना वो डफली और अपना अपना राग बजा रहा है, तो अवाम, मैसेस, मॉब, उनकी फिर आप फिक्र करना छोड़ दें। हर बंदा अपना काम कर रहा है, आप आए, आप ही अपना काम करें, लेकिन आप दूसरों को डिग्रेड ना करें। आपको किसी के काम पे एतराज नहीं होना चाहिए, आप अपने हिस्से का काम करें, हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है। हम देसी अम्मी ही रहेंगे, हम अलायती अम्मियां नहीं बन सकते, तो आप हमें काइंडली टॉन्ट करना छोड़ दें। और ओके, इन एनी केस किसी को भी टॉन्ट करना छोड़ दें, और तहम्मुल से, मीठे अंदाज में, अच्छे अंदाज में, जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप देखें सीरा खोल के, आप बहुत अच्छे सीरा के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई सवाल करने वाला आता था तो वो किस तरह से उसको जवाब देते थे, कि वो अपने बदतरीन मुखालफीन से भी किस तरह से बात करते थे, कि अब्दुल्ला बिन उबे से उनका कैसा सलूक था। आप लोग रोल मॉडल्स हैं, आप क्लेम तो नहीं करते, आप तो कहते हैं कि मैं आप जैसे हूं, लेकिन आप ये जरूर चाहते हैं कि हम आपको अपने से बेहतर समझें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, वो सब ये दिखा रहा होता है कि आप अपने आप को थोड़ा हायर इंटेलेक्चुअल लेवल का समझते हैं। तो जो हायर इंटेलेक्चुअल लेवल वाले होते हैं, जो हायर इंटेलेक्ट वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। तो वो कुछ सूरह अबासा की तफसीर पढ़ना, वो सिर्फ ये था, ये क्रीज थी माथे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आप पढ़ें और आवाम को भी बताएं कि मैनर्स ऑफ स्पीच कितने इंपॉर्टेंट है। यही कहना था। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह मेरा भी हामी और नासिर हो। That's it. फी अमान अल्लाह।